कुछ अपने गांव के बारे में बताइए, मैं बहुत कम जानता हूँ आपके गांव को। अरे हमारा गांव बता तो रहा कि छोटा सा है, सब मिश्र परिवार है। अच्छा, सब मिश्रा है। सब मिश्रा है, दूसरी जाति नहीं है। अच्छा, पूरा पूरा मिश्रा का घराना है। अरे मिश्रा परिवार है, वाह। एक ही कुटुंब के हैं, पांच छह कुटुंब अच्छा अब हो गए हैं, पहले पांच छह भाई थे। है, मतलब एक ही वो है, कुल एक ही है। हाँ, की है सब, अभी ज्यादा अंतर भी नहीं, पांच कुछ बड़ा चले गए हैं, जैसे ये लोगों को बता रहा हूँ है। अपराधी वाले, ये भी अपने एक में है। अच्छा हाँ, और कुछ वो बड़ा खुर्द में एक हाँ, के, अच्छा। और तीन चार के यहाँ है। तो पहले जब आप लोग चाक घाट जाते थे और आज भी आप चाक घाट जा रहे हैं, तो क्या अंतर देखते हैं? जैसे जब आप हमारी उम्र के थे तब कैसा था चाक घाट, अरे कैसे चाक घाट पहुंचते थे? पहले के हम में बहुत बहुत भी, आज के दिन मनी पहले तो इतनी परेशानियां, इतना हर चीज, अब आज तो इतना सुलभ हो गया है कि कोई ना कोई यहाँ खड़े रहते हैं, वाहन मिल जाते हैं, नहीं अपने खुद का नहीं, पहले तो नहीं, लोगों को साइकिल नसीब नहीं होती थी भाई, अपने अपन खुद अपने जमाने की बात बता रहा हूँ। अरे बाप रे, तो फिर पैदल जाते रहे होंगे आप लोग? हाँ पैदल जाते थे है, हमारे पिताजी वगैरह, जो वहाँ तो एक दो राउंड जो वहाँ तो पैदल लगा लेते थे अच्छा, दिन भर में। दिन भर में। हाँ ऐसा कोई काम जैसे पड़ गया तो कर लेते थे। अरे वाह। अब हमको क्या है, हम तो बाहर रहे, भोपाल ही रहे, अच्छा, भोपाल में रहे। अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं, तो चक्कर क्या है कि अब हम थोड़ा पैर से परेशानी है, नहीं चल पाते हैं। हाँ। अब यहाँ आए, थोड़ी सी गलती के जिस समय रिटायर हुए उसी समय पैर फ्रैक्चर हो गया, पैसा वैसा, और यहाँ आकर के मकान बना लिए, तो पैसे रहने यहाँ में कुछ ना कुछ वाहन छोटी अपने स्कूटी टाइप में ले लेना चाहिए, मतलब पैसे का सोचता हूँ, जो पैसा रखा है आज के जमाने में जानते हैं, कोई किसी का लड़के हो बच्चे हो कुछ भी कर दो, कितना भी कुर्बानी दे दीजिए, बहुत भाग्य हो तो लड़के निकल जाए, सही लगवाते बात। नहीं थे, कोई किसी को नहीं होता, इसलिए थोड़ा पैसा बचा है तो सोचता हूँ उसको थोड़ा बचा वो के मत रखे। सोचिए बाबा जी, पता है मैं आपको क्या सलाह दूंगा? यही गलती हम सब करते हैं। कभी भी क्या है कि जो जरूरी चीजें हैं वो आप कर पाओ, इसीलिए आप जिंदगी भर पूरी जब यंग रहते हैं तो काम करते हैं। जैसे मेरी एज है, दिन रात काम करता हूँ सिर्फ इसी दिन के लिए कि जैसे अगर मुझे मान लीजिए कि स्कूटी की जरूरत पड़े तो मुझे सोचना ना पड़े, जब जरूरत हो तो मेरे पास वो चीज हो। तो अगर आपने पैसा बचाया है तो आज उसमें नहीं अपने भैया, स्कूटी ज्यादा में खर्च नहीं है ना, करिए। चक्कर क्या है, आप आज के जमाने में आप तो खुद पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, आज के जी बच्चे बाबा जी जी खुद समझ रहे हैं कि लाख दो लाख रुपया तो अपने पास रहना चाहिए, वो आजकल ये भी लेंगे तो कम से कम ये जो लूना टाइम में आती है ये भी 70-75-80 से कम की नहीं आती, अच्छा। वैसे लेना बेकार है, हरदम धक्का प्लेट मारो बुढ़ापे में, हाँ, खुद ही अपन चलने मत मरते तो मेरे पास एक बाइक है मेरे हाँ पिताजी की, थोड़ी सी मतलब इंजन वगैरह सब सही है उसका, इसका टीवीएस की है। नहीं वैसे भी यार, मैं क्या है कि मैं आपको बताऊं, मैं चला कभी इसकी कोशिश ही नहीं किया, आपको चाहिए तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी आपको, 2-4 हजार का काम है, लेकिन एकदम सही हो जाएगी, एकदम नई जैसी। क्योंकि मैंने पिताजी को पिछले साल नई खरीद दिया था तो अब वो पुरानी यूज ही नहीं कर रहे हैं और वो किसी काम की नहीं है हमारे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वो मैं आपको गिफ्ट कर सकता हूँ मेरी तरफ से, एक सहायता के तौर पे। आप उसको 2-4 हजार खर्च करके रिपेयर करवा लीजिए, एकदम बढ़िया हो जाएगी। बड़ा गांव घर है मेरा, आप आइए एक दिन देख लीजिए ठीक बच्चों के साथ है, में। वो तो हमारे वो मालूम है, हमारे डॉक्टर भी है, अपन कभी वो है ना लेके आ जाएंगे, आपका घर इसी मोहल्ले में है, मतलब मिश्रा में, हाँ, सब जानते हैं वो, मुझे सब जानते हैं। आप कि वो बोलिएगा पूरब कि तरफ है। आप उनसे ये पूछिएगा कि वो एक विजय मिश्रा करके मिले थे मुझे, तो क्या उनको जानते हो? जनरली वो जानते होंगे, अगर कंफ्यूज होंगे तो ये बोल देना वो जो फॉरेन में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो लगभग लगभग सब जान जाएंगे, तो आप बता हाँ दीजिएगा और देख लीजिए और उसको आप यूज करिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो उस समय में आप लोग मतलब जब आते थे भोपाल से तो बहुत सी परेशानियां रहती रही भैया, बड़ी होंगी। परेशानी है भैया, मैं 4-5 साल गुजरात में रहा, तो आपको क्या बताऊं, ऐसी मुसीबत हो गया हूँ कि लेटरिन में सुखा करके
और आते थे तभी तो वहाँ से छोड़ दिया। फिर भोपाल में यहाँ तो खैर पहले तो रेवांचल भी नहीं चलती थी। अच्छा, फिर भी बड़ी दिक्कत होती थी, अब तो अच्छा सुलभ हो गया है। अभी तो काफी हो गया, तो कहीं भी आ। और यहाँ गांव से चार घाट पहुँचने में बहुत तकलीफ होती रही। हाँ, बहुत तकलीफ होती। पैदल चलने की आदत रही नहीं होगी जब आप बाहर थे। हाँ, नहीं वही दिक्कत है ना, बाकी अब अपन गरीब घर के बच्चे हैं, ऐसे नहीं है, ऐसे ही पर हमको भी छोड़ यही पे। हाँ, चार घाट जा रहे हैं हम लोगों को बताइए। नहीं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, वहाँ क्या है कि रामजीत मिश्रा, रामजीत मिश्रा जी। हाँ, हम साथी भाई वो जो उनमें है ना। हाँ, हम वो दो ही एक साथ ही पढ़े। अरे वाह। तो अभी ये जो बाबा मिले, मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता था वो मैंने उनको हेल्प करने की कोशिश की। बैठे थे वो रास्ते में, मुझे भी अच्छा लगा। तो बोले तो सुनना जो है पूरा सता रहा है, किसी के हेल्प किया है। एग्जैक्टली उस दिन हम मिस कर गए थे, रात थी और किसी ने मदद भी मांगी था, तो बारिश भी हो रही थी, अफसोस हुए था उस चीज का। तो मैंने चूंकि उनको एक बाइक चाहिए, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बाइक खरीद सकें और चिंता मुक्त भी हो सके, उनको फर्क ना पड़े। तो मेरी पापा की जो परी थी पुरानी, अभी जो रखी हुई है रेड कलर की, अच्छी है, एकदम सही चलती थी। जब से मैंने नई खरीदी ना, तो उसको किसी चीज का यूज नहीं होता, वो दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज मैं अपने देखने वालों से, भाइयों से, अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इनको कुछ और लोग मदद करें तो नई भी मिल सकती है, नई भी दिलवाई जा सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो इनकी मदद करिए। मैं कोशिश करूंगा कि इनसे कांटेक्ट करूं। आप लोगों को इनका गांव पता ही है, वीडियो देख के आपको इनका गाँव पता चल जाएगा, इनका नाम पता चल जाएगा। आप डायरेक्ट इनके घर पहुँच के भी इनसे मिल के और इनको मदद कर सकते हैं कि आप ये बाइक खरीद लीजिए, या एक इनका अकाउंट नंबर दे सकते हैं और सार्वजनिक भी कर सकते हैं कि आपने इतना दिया, इनको इतना मिला, है ना, ऐसा करके। और अब पैसे कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट दिस थिंग वी कैन डू। सो आई विल रियली ऑनेस्टली आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट कंट्रीब्यूट 500, 200, 110 rupees, 20 rupees, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप सीधे बाइक ही खरीद के दे दीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि एक नहीं, ऐसे पता नहीं कितने बुजुर्गों की मदद यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकती है। कई बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे तो साथ होते हैं, लेकिन बेचारे बच्चों के पास भी पैसा नहीं होता, तो हम ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको, जो बुढ़ापे की ओर है, और एक सोशल सर्विस के तौर पर। और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा यार, भगवान तो अपने को दे ही रहा अपने को, थोड़ा सा हम भी किसी को, तो थोड़ा मदद करो आप लोग इनकी। और कमेंट करके बताओ, कोई और भी आपकी नज़र में है तो हम उनसे भी मिलेंगे, उनकी भी बातें करेंगे कि इनको ये चीज़ चाहिए। किसी को हो सकता है मेडिकल चाहिए हो, मैं ही अफोर्ड कर लूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हर बार मदद ही मांगनी पड़ेगी, चूँकि ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, सब लोग मदद करेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा।